हाइड्रा डायनामो अकाउंट बैन, डायनामो गेमिंग अकाउंट बैन. ऑलराइट ओके. सो ये जो 10 दिन गए गाइस पिछले, ठीक है, इसमें ऐसे ऐसे लोगों ने वीडियो बनाई जिनके पास सॉलिड प्रूफ तो था नहीं बिल्कुल भी, कि मतलब कोई सॉलिड प्रूफ नहीं कि यार सच में ये बैन हो गया है, 10 साल के लिए बैन हो गया है. कुछ कुछ लोग तो अपने वीडियो में ये तक डाल दिए कि 10 साल के लिए बैन हो गया, आप कभी इसको अकाउंट नहीं मिलेगा, पट से बैन, पट से हैकर. तो सही है, अच्छी बात है, लेकिन वो सुना है ना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात. सो आप लोग के साथ यही सीन है, आप लोग लाइक 10 दिन मज़े मार लिए बट मेरा अकाउंट वापस आ चुका है. सो बस मैं आपको यही सलाह दूंगा कि नफ़रत मत फैलाओ, ठीक है, किसी को किसी के लिए क्या कहते हैं, इतना भी ये मत करो, इतना भी उसको गलत मत बताओ कि आखिर में चल के तुम खुद ही गलत साबित हो जाओ, ठीक है. बफर ओवरफ्लो के बारे में इतना इतना पूरे दुनिया भर का ज्ञान फैल गया इन लोगों ने, विकिपीडिया तक चले गए कि बफर ओवरफ्लो ऐसा होता है, कोई इंजेक्ट करता है, कोई हैक करता है, कोई स्क्रिप्ट यूज़ करता है, इसने ये किया वो किया इसलिए इसका अकाउंट 10 साल के लिए बैन हो गया, इसको कभी अकाउंट नहीं मिलेगा, ये वो फलाना ढिमकाना. अरे भाई भाई भाई, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना यूट्यूब पे फेमस मैं मेरे खुद के गेम प्ले से नहीं हूँ, जितना यूट्यूब पे फेमस मैं मेरे खुद के डायलॉग से नहीं हूँ, उतना फेमस तुम लोगों ने मुझे कर दिया यूट्यूब पे. इतनी सारी वीडियो डालती मेरी, इतनी सारी वीडियो, मतलब ऐसा लगता है कि यार तुम्हारी ज़िंदगी में और कुछ काम नहीं है, मतलब तुम्हारी ज़िंदगी घूम फिर के बस मुझ पर ही आके रुक जाती है, एक डायनामो गेमिंग नाम पर ही आके रुक जाती है. चलो यार, लाइक मुझे तुम में से किसी से भी नफरत नहीं है, ठीक है, ना पहले थी प्रॉब्लम ना आज प्रॉब्लम है, ठीक है. बस एक चीज़ कहूँगा, जितना चैनल तुम लोगों ने मेरा नाम यूज़ करके ग्रो कर लिया ना, जितने व्यूज़ ले लिए, जितने सब्सक्राइबर्स ले लिए, अच्छी बात है, ऐसा समझो कि तुमने तुम्हारी मेहनत की है और तुमको उसका फल मिला, ठीक है, ऐसा तुम समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को समझो. और अब से अपने चैनल पे अपना कंटेंट डालो, एक गेम प्ले डालो, अपना क्या कहते हैं रिकॉर्डिंग डालो, या फिर लाइव स्ट्रीम करो, नए नए गेम्स की रिकॉर्डिंग डालो, जो भी चीज़ें तुम करना चाहते हो करो, ठीक है. कल चल के ये प्रॉब्लम आज मेरे साथ हुई है, कल चल के ये प्रॉब्लम किसी और के साथ हो सकती है, जितने भी पबजी मोबाइल यूट्यूबर्स हैं, जितने भी लोग हैं, सबके साथ हो सकती है. तो भाई कोशिश करना कि उनको भी तुम हैकर ना बोलो यार, उनके अगेंस्ट भी तुम वीडियो ना डाल दो. तो तुम्हारे साथ जो आज हुआ है ना, जो खुद की जो तुम्हारी गलतियाँ खुद पे जो खुद को जो तुमको लाइक तुम्हारे मुंह पे आके पड़ी है, तुम्हारे साथ आगे भी वही होगा, ठीक है. अगर तुम किसी की हेल्प नहीं कर सकते हो, अगर तुम किसी की प्रॉब्लम समझ नहीं सकते कि उसका क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उसका अकाउंट क्यों एक्टिवेट नहीं हो पा रहा, उसका अकाउंट क्यों लॉगिन नहीं हो पा रहा है, अगर तुम किसी की हेल्प नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट उस पर उंगलियाँ मत उठाओ, ठीक है. उसको ये मत करो कि यार तू हैक करता है, तू ये करता है, तू वो करता है. मैं ये गेम पिछले 8-10 महीनों से खेल रहा हूँ और आज ही मुझे मौका मिला हैक करने का, मतलब ये पिछले 10 दिन गए जो मैं हैक करके खेल रहा था, मतलब बस और कोई ज़िंदगी में काम नहीं मेरे. ओके, और एक क्वेश्चन मेरे पास, लाइक और एक क्वेश्चन बहुत दिन से मेरे माइंड में आ रहा था. जब मैं चैनल ग्रो किया था, जब मैं चैनल स्टार्ट किया था, जैसे जीरो से मैंने स्टार्ट किया, राइट, पिछले कुछ साल मैंने चैनल जो चलाया है, मेरा चैनल सबसे स्टार्टिंग में सिर्फ 3 सब्सक्राइबर्स थे, वो जो कि मेरे घर वाले ही थे. एक सब्सक्राइबर्स मेरी मॉम का अकाउंट था जिससे मैंने खुद को सब्सक्राइब किया था, एक मेरे डैड का अकाउंट था और एक मेरा खुद का था जो मैंने फेक अकाउंट बनाया था ऐसे ही दूसरे फ़ोन से, जो मैंने खुद को सब्सक्राइब किया था, ऐसे मेरे 3 सब्सक्राइबर्स थे, ठीक है. तो तब से मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, तब से मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तब तो तुम लोग कभी आए नहीं यार, मतलब जितने भी ये जो वीडियो डाल रहे मेरे अगेंस्ट में, मेरा नाम यूज़ करके जो सब्सक्राइबर गेन कर रहे हैं, व्यूज़ गेन कर रहे हैं, अपना चैनल मोनेटाइज करवा लिए, जो भी चीज़ें कर रहे हो, ठीक है. सो तब तो तुम लोग कभी नहीं आए मेरे, उस टाइम तो तुम कभी नहीं आए मेरे चैनल पे कि भाई अच्छा खेल रहा है, नए नए गेम्स खेल रहा है, पबजी पीसी खेल रहा है, पबजी क्या कहते हैं बैटलफील्ड खेल रहा है, डोटा 2 खेल रहा है, बैटलफील्ड हार्डलाइन खेल रहा है, उसके बाद पैराडिंस खेल रहा है, रेनबो सिक्स सीज खेल रहा है, हाँ इतने सारे गेम्स, मतलब जो हॉरर गेम मैंने एक बार खेला था, मेरे को उसका नाम डेट्रॉइट ऐसा कुछ तो नाम था, पता नहीं. तो ये सब गेम्स जब मैं खेल GTA 5, इतने सारे गेम्स जब मैं खेलता था, तब तो तुम लोग कभी नहीं आए मेरे चैनल पे, मतलब 0 से लेके 2000 सब्सक्राइबर्स तक तो तुम लोग कभी नहीं दिखे मेरे को कि डायनामो गेमिंग ये, डायनामो गेमिंग वो, डायनामो गेमिंग हैकर,
डायनामो गेमिंग चैनल, डायनामो गेमिंग फलाना ढिमकाना, इंडियन गेमिंग कम्युनिटी, तब तो लाइक नहीं था कुछ, है ना। और जैसे ही मतलब 1 लाख हो गया, सब चैनल ग्रो होने लग गया, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 1 मिलियन, 100K वॉचिंग, 80,000 वॉचिंग, 90,000 वॉचिंग, 1,21,000 वॉचिंग, तब तुमको दिखा डायनामो गेमिंग, राइट। तब तुमको दिखा कि यार ये एक चैनल है, तो इसको हम सपोर्ट नहीं करते हैं, इसके खिलाफ हम लोग एक निगेटिव वीडियो बनाते हैं, इसको हम नीचे गिराते हैं, है ना, इसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे। हाँ, कोई नहीं, होता है, फितरत है इंसान की, इंडियन मेंटालिटी है, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है। चलो, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जब मेरे साथ कोई नहीं था, 0 सब्सक्राइबर्स पे, जब मेरी इवन मेरी 2,000 सब्सक्राइबर्स तक के, जब मेरी वॉचिंग सिर्फ 10, 15, 20, 25 इतनी आती थी, तब मैंने मेरा अकाउंट बंद नहीं किया, तब मैंने लाइव स्ट्रीम करना नहीं छोड़ा, तो भाई अब क्यों छोड़ूंगा, ये तो सोचो। हाँ, तब जब मेरे पास कोई 1% सपोर्ट नहीं था, तब मैंने मेरा अकाउंट बंद नहीं किया, तब मैंने लाइव स्ट्रीम करना नहीं छोड़ा, तो आज मेरे पास 2.7 मिलियन यूट्यूब फैमिली खड़ी है, जिन लोगों को जो देखना पसंद है उन लोगों को मैं अपना कंटेंट शो कर रहा हूँ, उनको पबजी मोबाइल देखना पसंद है मैं वो दिखाता हूँ, जिन लोगों को एपेक्स देखना पसंद है मैं उन लोगों के लिए रात में एपेक्स की स्ट्रीम करता हूँ, उनको दिखाता हूँ, भले ही मुझे एपेक्स में बहुत कम वॉचिंग आती है। कल कल रात की स्ट्रीम पे तो मेरे ख्याल से, पिछले पिछले 2 स्ट्रीम पे तो मेरे ख्याल से 5,000, 10,000, 15,000, इसके ऊपर तो जा ही नहीं रही थी वॉचिंग, बट मैं करता हूँ, 2 घंटे में स्ट्रीम किया, 3 घंटे स्ट्रीम किया, दिखाता हूँ मैं। तो मतलब जब 10-12 वॉचिंग थी, 5 वॉचिंग थी, तब तो कोई आया नहीं बोलने के लिए, और आज जब लाइक 90,000 वॉचिंग, 1 लाख वॉचिंग, 1,21,000 वॉचिंग है, तो तब तुम आ रहे हो, तब तुम सपोर्ट करने के बजाय हेटरेट फैला रहे हो, हेट फैला रहे हो, और तुम्हारे पास कुछ सॉलिड प्रूफ ही नहीं, तुम्हारे पास एक स्क्रीनशॉट तक नहीं पबजी ऑफिशियल्स जो देता है कि किसका अकाउंट अगर बैन हुआ है, तो वहाँ लिख के आता है कि 10 साल के लिए बैन है, 3,600 कितने फलाना ढिमकाना कितने भी XYZ डेज होते हैं, वो लिख के आता है, वो तुम्हारे पास है नहीं, है, और तुम ऐसे ही वीडियो बनाए जा रहे हो कि ये बैन हो गया, अब इसको 10 साल तक ये इसको अकाउंट नहीं मिलेगा, ये कन्फर्म बैन है, ये कन्फर्म हैक करता है, कन्फर्म स्क्रिप्ट यूज़ करता है, रिकॉइल हैक करता है, हेडशॉट हैक करता है, ये सब चीज़ें। एक काम करना ब्रो, एक काम करना, मेरा चैनल एक बार अच्छे से देखो, पिछले 3 साल पुरानी वीडियो देखो, मैं बैटल फील्ड खेल रहा हूँ, ज़रा वो वीडियो उठा के देखो, बस तुमको मालूम पड़ जाएगा मैं हेडशॉट कैसे मार लेता हूँ, इतना अच्छा मैं FPS कैसे खेल लेता हूँ। मैं स्टिल कहता हूँ कि मैं अच्छा नहीं खेलता, मैं खुद अपने गेम से सीखता हूँ, मैं खुद आजकल आज इतने सारे प्लेयर्स हैं जो खुद मुझे आके मार भी देते हैं, मैं उनको अच्छा बोलता हूँ, मैं ये नहीं बोलता कि यार उनकी गलती नहीं मेरी गलती है, सॉरी मेरी गलती नहीं उनकी गलती है, मैं खुद की गलती कहता हूँ और खुद अपने गेम प्ले से सीखता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि यार मैं बहुत बड़ा प्रो हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, ठीक है, मैं अपने गेम से सीखता हूँ और मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं किसी को पीछे नहीं खींचता, मैं किसी को नीचे नहीं खींचता। ऐसे कितने स्ट्रीमर्स हैं जो सुबह 7 बजे उठ के स्ट्रीम करते हैं, अपना स्कूल ख़त्म करके स्ट्रीम करते हैं, अपनी कॉलेज ख़त्म करके स्ट्रीम करते हैं, अपनी जॉब बिजनेस सब खत्म करके स्ट्रीम करते हैं, रात के 3 बजे तक स्ट्रीम करते हैं, सब मेहनत करते हैं, ठीक है, और इन सब के लिए मेरे दिल में रिस्पेक्ट है, चाहे उन लोगों ने मेरे बारे में कुछ भी बोला हो, उन लोगों ने गुस्से में आके कुछ भी बोल दिया हो, गाली दी हो, कुछ भी बोला हो, बट उन लोगों के लिए मेरे दिल में रिस्पेक्ट है। क्यों है? क्योंकि ऐस इनमें से बहुत लोगों ने नफरत नहीं फैलाई, इनमें से बहुत लोगों ने किसी का नाम यूज़ करके अपना चैनल ग्रो नहीं किया, इनमें से बहुत लोगों ने किसी को नीचे नहीं खींचा, ये हैक करता है, ये वो करता है, इसके नाम पे वीडियो बना, उसके नाम पे वीडियो बना, नहीं, मेहनत करते हैं, सुबह उठते हैं स्ट्रीम करते हैं, दोपहर में स्ट्रीम करते हैं, रात में स्ट्रीम करते हैं, शाम में स्ट्रीम करते हैं, मेहनत करते हैं, ठीक है। सो गाइस, एक ही चीज़ है, मेहनत करो, बेस्ट ऑफ लक, आप बहुत अच्छा कर रहे हो अपने लाइफ में, चैनल बढ़ाते रहो, बहुत जल्दी आपका चैनल आगे बढ़ेगा, ठीक है। और ये और कुछ बात उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अपना चैनल ग्रो किया है डायनामो गेमिंग लिख लिख के, हैकर बोल बोल के, जो भी चीज़ है, उन लोगों को एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ठीक है, तुम लोगों ने अपना चैनल ग्रो कर लिया, व्यूज़ कमा लिए, जिन लोगों का चैनल मोनेटाइज तक नहीं था, मोनेटाइज करवा लिया, है ना, तो अच्छी बात है, मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारे काम आ सका, मैंने तुम्हारा चैनल ग्रो करवा दिया, मुझे खुशी है। लेकिन अब एक ध्यान में रखो, अपने चैनल पे अपना कंटेंट डालो, अपना गेम प्ले डालो, अपनी स्ट्रीम करो, ठीक है, तो लोग तुमको तुम्हारे गेम प्ले से जानेंगे, ना कि मेरे नाम से जानेंगे कि
मेरा नाम यूज़ कर करके तू आगे बढ़ा है, नहीं तुम्हारे गेम प्ले से जानेंगे लोग, बोलेंगे कि हाँ चलो ये अपना गेम प्ले दिखाता है, ये अब स्ट्रीम करता है और अच्छा खेलता है बुरा खेलता है जो भी खेलता है, लेकिन तुम्हारा गेम प्ले राइट। सो अगर अभी भी तुमको डाउट आता है कि मेरा अकाउंट बैन है जो भी है, जो कि बैन जिंदगी में कभी हो नहीं सकता ठीक है, क्योंकि मैं हैक यूज़ नहीं करता, मैं पिछले कई सालों से FPS गेम खेल रहा हूँ, मुझे पता है FPS गेम कैसे खेलते हैं, कौन सी गन का रिकॉइल कंट्रोल कैसे करते हैं, स्नाइपर को कैसे चलाते हैं, मुझे पता है ठीक है। सो ये हैक वैक जो चीज़ें ना ये सब बच्चे करते हैं मेरे सामने ठीक है, मैं नहीं करता, सिंपल सी बात है। तो एक ही चीज़ है, मेहनत करो अभी अपने चैनल पे, कंट्रोवर्सी मत फैलाओ, हेट मत फैलाओ किसी के अगेंस्ट, कल चल के कोई यूट्यूबर का अकाउंट अगर बफर ओवरफ्लो हो गया पबजी मोबाइल में, किसी का भी कोई भी यूट्यूबर ले लो, चाहे वो छोटा रहे बड़ा रहे मीडियम रहे जो भी रहे, तो कृपया करके उसके अगेंस्ट में हैकिंग करता ये वीडियो मत बना देना ठीक है। चलो गुड बाय। ओ वेट 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 यार, अपने भाइयों कैसे भूल सकता हूँ गाइज, जिन लोगों ने भी ये 10 दिन जो इतने हार्ड थे मेरे लिए, जिन लोगों ने भी मुझ पे भरोसा दिखाया, सपोर्ट किया, मुझे डेली मैसेज करते गए इंस्टाग्राम पे, स्ट्रीम पे आते गए आप लोग, सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं कितना भी थैंक यू बोलूँ वो बहुत कम है। और हमें अपनी यूट्यूब फैमिली 3 मिलियन करनी है ठीक है, कैसे भी करके हमें और 3 लाख 4 लाख पता नहीं कितने और चाहिए। सो ये मेरा प्रॉमिस है कि मैं डेली स्ट्रीम करूँगा, एक भी दिन गैप नहीं लूँगा, एंड बस आपका सपोर्ट चाहिए ठीक है, हमें 3 मिलियन तक पहुँचना है ओके। एंड एक और चीज़, सिल्वर प्ले बटन तो आ चुका है, डायमंड प्ले बटन, सॉरी डायमंड तक कहाँ पहुँच गया, हाँ सिल्वर बटन तो आ चुका है ठीक है, और गोल्डन प्ले बटन जो है वो रास्ते में है, बस मैंने अप्लाई कर दिया है, कुछ दिनों में आने वाला है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना तो आपको कुछ अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ देखने मिलेगी गोल्डन प्ले बटन की, वो भी मेरे साथ। सो और हेटर्स, हेटर्स तो क्या बोलूँ, थैंक यू सो मच यार, आप लोग अगर हेट नहीं करते हैं तो मुझे खुद की वैल्यू समझ में नहीं आती, खुद की वैल्यू इन द सेंस इतना खींच खींच के नीचे खींच खींच के, लेकिन मैं गिरा नहीं, मुझे लाइक और क्या कहते हैं अगर ज़्यादा ही कुछ हिंदी में बोलूँ तो ज़्यादा मुझे शक्ति मिल गई ऊपर चढ़ने की। सो थैंक यू सो मच, कुछ लाइन्स आपके लिए, आगे वाली जो लाइन्स है वो हेटर्स आप लोग को डेडिकेटेड है, बाय बाय। Fuck A B C D E F G H I K, खतरनाक तेरा खात्मा बे, चढ़ू मैं तेरी क्यों इतनी गांड जले, तुम जैसे आह मेरे पैरों तले, चलो चले सालो भले, तुम्हारी तो आंत फटे जांट जले, रांड बने घूमो फिरो करो चुगलिया, बेटा कितनों से बता तू चुगलिया।